नमस्कार दोस्तों कैसे हैं दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे एम सी बी एंड आर सी सी बी यानी इन दो सर्किट ब्रेकर के बीच में क्या अंतर होता है तो बने रहिए इस वीडियो में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एम सी बी क्या है एम सी बी तो एम सी बी आखिर क्यों लगाई जाती है किस लिए लगाई जाती है देखिए दोस्तों एम सी बी जो होती है ये उपकरण की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है किसकी उपकरण की, की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है ठीक है और ये एम सी बी दो तरह से उपकरण की सुरक्षा करती है पहली है शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट और दूसरी जो है यह है ओवरलोड, ओवरलोड ओवर लोड ठीक है जैसे मान लीजिए ये फेस है और ये न्यूट्रल है यानी कि अगर फेस न्यूट्रल अगर कहीं भी अगर आपस में टच करता है तो उस कंडीशन पे क्या होगा शॉर्ट सर्किट होगा और एमसीबी जो है हमारी ट्रिप हो जाएगी और पूरे जो सप्लाई है वो ऑफ हो जाएगी ठीक है और ओवरलोड यानी कि अगर ओवरलोड अगर हो जाता है तो उस कंडीशन पे भी एम ट्रिप हो जाएगी और पूरी सप्लाई ऑफ हो जाएगी तो एम उपकरण की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है ठीक है अब आते हैं आर सी सी बी आर सी सी बी आखिर क्यों लगाते हैं तो देखिए आर सी सी बी क्या है ये मानव की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है किसकी मानव की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है अब ये मानव की सुरक्षा किस तरह से करती है इसको समझिए जैसे मान लीजिए ये हमारी मोटर है ठीक है दोस्तों ये हमारी मान लीजिए मोटर है और ये जो मोटर है ये दस एम्पियर की है मान लीजिए ठीक है दस एम्पियर की ये मोटर है और ये मान लीजिए आर सी सी बी लगी हुई है ठीक है ये आर सी सी बी लगी है तो यहाँ से हमने कनेक्शन जो है दे दिया ठीक तो ये आर सी सी बी लग गई है और ये मोटर ये कनेक्ट है इससे ठीक है अब ये देखिए क्या होता है मान लीजिए ये मान लीजिए फेस है और ये न्यूट्रल है मान लीजिए फेस वायर मान लीजिए कहीं से अगर हल्का सा मान लीजिए कटा है और जहाँ पर कटा है और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर नंगे पैर अगर है और उस जो फेस वायर जो हल्का सा जहाँ कटा है अगर उसको अगर टच कर लेता है उसको अगर टच कर लेता है तो उस कंडीशन पे क्या होगा आर सी सी बी हमारी ट्रिप हो जाएगी और जो मानव है जो व्यक्ति है उसको करंट नहीं लगेगा अब देखिए कैसे नहीं लगेगा इसका गणित देखिए जैसे ये दस एम्पियर की मोटर है ठीक है अब जब कोई व्यक्ति जब इसे जब छुएगा तो कुछ करंट का क्या होगा लॉस होगा और वो जो करंट है वो उसके शरीर से होते हुए पृथ्वी में जो है चला जाएगा ठीक है यानी कि अर्थ में चला जाएगा तो जैसे दस एम्पियर की जो मोटर है तो कुछ ना उस करंट का लॉस होगा मान लीजिए दशमलव तीस एम्पियर का मान लीजिए लॉस हो गया और जो दस एम का जो करंट है वो अब हो गया है नाइन पॉइंट सेवन जीरो मान लीजिए नाइन पॉइंट सेवन जीरो जो है करंट आर में जा रहा है अब आर कैसे जो है सेंस करती है देखिए आर का कहना है कि जितना एम करंट हम दे रहे हैं उतना ही एम करंट हमें वापस चाहिए यानी कि दस एम की मोटर है तो दस एम करंट जो है यहाँ से मोटर में आया फिर मोटर से आर सी में गया फिर मोटर में आया और फिर इसमें गया तो यानी कि जो दस एम जो करंट है वो ऐसे राउंडिंग हो रही है बार बार इधर से उधर इधर से उधर जा रहा है ठीक है और जब वो व्यक्ति छुएगा तो कुछ करंट का लॉस हो जाएगा और कुछ करंट जो है कम जाएगी जब 9.70 पॉइंट यानी कि कुछ करंट जब कम जाएगी तो उस कंडीशन पे क्या होगा आर जो है सेंस कर लेगी कि अब करंट जो है कम आ रहा है तो वो आर भी तुरंत ट्रिप हो जाएगी और पूरी सप्लाई जो है मोटर की ऑफ हो जाएगी तो इस तरह से आर भी जो है चेंज करते मतलब आर का साफ साफ कहना है कि जितना इन करंट हम देंगे उतना ही करंट हमें वापस चाहिए अगर हम उतना करंट अगर वापस हमें नहीं मिलेगा तो हम सप्लाई को ऑफ़ कर देंगे और सप्लाई इस तरह ऑफ हो जाती है और उस व्यक्ति को जो व्यक्ति फेस को छू लेता है उसको करंट नहीं लगता है आर तो सी जो होती है वो मानव सुरक्षा के लिए होती है अब आपसे अगर इंटरव्यू में अगर कोई पूछेगा तो अब एक लाइन में आप जवाब ये देंगे कि जो एम होती है वो उपकरण की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है और जो आर होती है वो मानव की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है ठीक है दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद बाय